हे गाइस आर एस क्लासेस नाइन्टी पॉइंट फाइव में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक जो है आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि आपका है एल्टीमीटर ये क्या करता है आपका एल्टीट्यूड्स मतलब कि हाइट को मेज़र करता है जो कि आपका एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है दूसरा है आपका एमीटर जो कि आपका क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को मेज़र करता है तीसरा है एनिमोमीटर ये यह क्या करता है आपका इट मेजर्स द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन ठीक है उसके बाद चौथा है आपका ऑडियोमीटर यह आपका साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करता है पांचवा है आपका बैरोग्राफ ये क्या करता है ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग देता है किस चीज़ का तो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर का ठीक है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर यह क्या है करता है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है बाइनाकुलर्स यह आपका दूर के जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में मदद करता है बोलोमीटर क्या है इट मेजर्स द हीट रेडिएशन, ठीक है हीट रेडिएशन को मेजर करने में जो इंस्ट्रूमेंट uh, यूजफुल है वो आपका है बोलोमीटर उसके बाद कैलिपर्स क्या है कैलिपर्स किसी भी बॉडी के अंदरूनी और बाहरी डायमीटर को मेजर करने में मदद करता है उसके बाद है कैलोरी मीटर क्या है ये आपका जो उष्मा होता है जो हीट होता है उसके क्वांटिटी को मेजर करता है चलिए आगे देखते हैं हम लोग उसके बाद है आ, कैलोरी मीटर हो गया कार्डियोग्राम ये क्या करता है आपका हार्ट के मूवमेंट को ट्रेस करता है रिकॉर्ड करता है ठीक है कार्डियोग्राफ के मदद से कथेटोमीटर क्या है आपका ये क्या करता है आपका इट डिटरमाइंस द हाइट मेजरमेंट ऑफ लेवल्स एक्सेट्रा इन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर क्या करता है इट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी ठीक है कैलोरीमीटर ये क्या करता है आपके कलर के इंटेंसिटी को कंपेयर करता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉमिटेटर इसका काम क्या है इट चेंज टू चेंज और टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट एसी टू डी सी यह करता है या तो आपका चेंज करेगा या तो आपका रिवर्स करेगा किस चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को ठीक है यह आपका कभी कभी यूज होता है आपका ए सी टू डी सी को भी कन्वर्सन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक कौन सा डिवाइस है जो आपका ए सी टू डी सी को कन्वर्सन करता है ठीक है उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला है क्रायोमीटर।, क्रायोमीटर क्रायोमीटर क्या करता है अ टाइप ऑफ थर्मामीटर ये एक तरह का थर्मामीटर है जो मेजर करता है वेरी लो टेम्परेचर बहुत ही कम टेम्परेचर के मेजर करता है कहाँ तक टेम्परेचर यूजअली क्लोज टू ज़ीरो डिग्री सेल्सियस साइक्लोट्रोन क्या है ये एक एक तरह का क्या है चार्ज पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल को हाई एनर्जी प्राप्त करने में मदद करता है अ चार्ज पार्टिकल एक्सीटर विच कैन एक्सीट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज ठीक है उसके बाद अगला है डायलोमीटर ये क्या काम करता है इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस मतलब कि दूसरे सब्सटेंस का जो आपका आयतन है उसको यह जो उसमें चेंज होता है आयतन में उसको यह मेजर करता है उसके बाद है आपका डायनोमीटर डायनोमीटर का काम क्या है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना उसके बाद डायनोमीटर क्या है यह तो डायनमो था यह डायनोमीटर क्या है तो ये आपके इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है ठीक है अगला देखते हैं हम लोग अगला है आपका इलेक्ट्रो ग्राम यह क्या करता है आपका ब्रेन का जो आपका उसका एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको यह मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोमीटर यह क्या करता है आपका मेजर्स वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक करंट ये क्या करता है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में उसको ये मेजर करता है ठीक है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को ये डिटेक्ट करता है उसके बाद है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप मतलब कि टू obtain अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स capable ऑफ मैग्नीफाइंग अप टू twenty thousand टाइम्स मतलब कि छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको मैग्नीफाई करने में ये काम करता है और ये इसका कैपेसिटी कितना है तो बीस हजार गुना तक वो उसको मैग्नीफाई कर सकता है अगला है आपका एंडोस्कोप ये क्या करता है जो शरीर का जो बॉडी का जो अंदरूनी पार्ट्स है उसको ये एग्जामिन करने में मदद करता है फैदोमीटर क्या है ये आपके ओशियन के गहराई को मापने में मदद करता है फ्लक्सोमीटर क्या करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को मेज़र करता है गैल्बनोमीटर क्या करता है आपके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर, मेजर करता है और इसमें लिख लीजिएगा डिटेक्ट भी करता है ठीक है हाइड्रोमीटर का क्या काम है ये आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करता है हाइग्रोमीटर का क्या काम है यह आपके आद्रता को आद्रता के लेवल को मापता है मतलब कि ह्यूमिडिटी के लेवल को मेजर करता है हाइड्रोफोन का क्या काम है यह आपका साउंड को मेजर करता है पानी के अंदर मतलब मेजर साउंड अंडर वाटर उसके बाद हम लोग चलते हैं देखते हैं हाइग्रोस्कोप क्या है तो हाइग्रोस्कोप क्या करता है जो आपका एटमॉस्फेयर में जो आपका आदरता है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है उसको वो शो करता है ठीक है उसके बाद हाइप्सोमीटर क्या है टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मतलब कि जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बारे में ये पता करता है कीमोग्राफ क्या है ये आपका मेजर करता है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जैसे कि ब्लड प्रेशर हार्ट बीट एक्सेट्रा ठीक है लैक्टोमीटर का, का काम क्या है इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क टू डिटरमाइन प्योरिटी ठीक है उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला तो लैक्टोमीटर था उसके बाद देखते हैं हम लोग मैकमीटर मैग मीटर क्या काम करता है इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड मतलब साउंड के कंपैरिजन में जो आपका एयरक्राफ्ट का स्पीड है उसको वो डिटरमाइन करता है और उसको मेजर करता है मैग्नेटोमीटर का काम क्या है ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट्स जो मैग्नेट का होता है उसको वो कंपेयर करता है ठीक है मैनोमीटर क्या काम करता है ये गैस के प्रेशर को मेजर करता है माइक्रोमीटर का क्या काम है ये आपका डिस्टेंस uh, पर एंगल मेजर करता है ठीक है माइक्रोफोन का क्या काम है तो कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन माइक्रोफोन का काम क्या है आपके साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना अगला देखते हैं हम लोग अगला है आपका माइक्रोस्कोप ठीक है ये क्या करता है ये आपके छोटे से ऑब्जेक्ट को ये मैग्नीफाई करने में मदद करता है ठीक है निफेमीटर क्या है आपका ये मेजर्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑडोमीटर क्या होता है तो ऑडोमीटर क्या करता है इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल मतलब व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? वो आपका वो ऑडोमीटर मेजर करता है उसके बाद क्या है ओम मीटर क्या है इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम ओम मीटर क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल uh, रेजिस्टेंस को मेजर करता है जो कि उसका यूनिट क्या है ओम है ठीक है उसके बाद और डेंटोमीटर क्या है ऑन डेंटोमीटर है आपका मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स स्पेशली इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है पेरिस्कोप क्या है तो पेरिस्कोप क्या है इट टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एबव सी लेवल जो आपका सी लेवल के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट्स को देखने के जो मदद करता है जैसे एक सबमरीन्स सब वगैरह जो देखते हैं उसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है पेरिस्कोप होता है फोटोमीटर क्या होता है इट कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड ठीक है पॉलीग्राफ क्या है इंस्ट्रूमेंट दैट साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड्स चेंजेस इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हार्ट बीट ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन यूज एज अ लाइट डिटेक्टर ठीक है आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चलिए लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें थैंक यू थैंक यू वेरी मच